हाँ तो गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और इसमें सरफेस टेंशन का आखिरी लेक्चर है आज जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कैपिलरी राइज। राइट, तो आर्टिकल नंबर 10.6.5 है मेरे एनसीईआरटी में, पेज नंबर ये है 268, कैपिलरी राइज का पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। कहता है वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस। कर्व्ड लिक्विड, ये पहली बात तो ये बता रहा है जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना वो कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस पे होता है। तो मैं इसको पहले जरा अलग से पढ़ा दूं और फिर बात करते हैं कैपिलरी राइज पे। तो आप हेडिंग दे दीजिए प्रेशर डिफरेंस की ही बात फिर से कर लेता हूं। अक्रॉस अ कर्व लिक्विड सरफेस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व लिक्विड सरफेस, मतलब एक कंटेनर में यहां पर पानी मैंने रखा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस तो हमने ये पढ़ा ही था कि ये कर्व सरफेस है, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको। ये मैं कैपिलरी के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। कैपिलरी इसको बोलते हैं, यहाँ एयर है और यहाँ मान लीजिए पानी है, तो प्रेशर डिफरेंस तो यहाँ इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ सर ये एयर और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना इन पे सरफेस टेंशन का एक फोर्स यहाँ काम करता है और सरफेस टेंशन का एक फोर्स यहाँ काम करता है। तो इस जगह तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पर इसके जस्ट अंदर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे। मैं यहाँ क्लियरली बताना चाह रहा हूँ प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू तो हमें पता है शायद कि अगर एक फिल्म बनती है तो प्रेशर डिफरेंस 2S/R होता है। सरफेस टेंशन को मैं एस से नहीं टी से कहता हूँ तो मैं प्रेशर डिफरेंस को 2T/R बोलता हूँ। जब एक बाउंड्री बन रही हो लिक्विड और एयर के मॉलिक्यूल्स की, जब एक बाउंड्री बन रही हो तो प्रेशर डिफरेंस P-2T/R होता है। और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि कहां प्रेशर ज्यादा होता है और कहां कम होता है। तो कैपिलरी के कॉन्टेक्स्ट में कैपिलरी को भी हम डिफाइन करेंगे जब एनसीईआरटी में वर्ड आएगा। अभी मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि इस जगह प्रेशर है PA और इस जगह जो प्रेशर है ना, चलो ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो इस जगह जो है वो प्रेशर है PA, मतलब P एटमॉस्फेरिक, ये पूरा इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो है PATM और यहाँ जो प्रेशर है ना वो है PA-2T/R। यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स इधर काम कर रहा है। हम सरफेस टेंशन के फोर्स के बारे में जानते हैं कि वो टेंजेंशियल टू द बाउंड्री काम करता है, टेंजेंशियल टू द इंटरफेस। तो इन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ऊपर काम करेगा। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके कारण एक फोर्स नीचे काम कर रहा है और सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर काम करता है। तो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो कम हो गया है, और अगर फोर्स कम हो गया है तो प्रेशर भी कम हो गया है। पर यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ये तो अभी भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। ये जो फोर्स लगता है ये एक प्रकार से मान लीजिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऊपर लग रहा है, इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे जब नेट फोर्स कम हो गया है, लिक्विड मॉलिक्यूल पे जो बाउंड्री का लिक्विड मॉलिक्यूल है उस पर एक फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लग रहा है नीचे और एक फोर्स सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है ऊपर। तो ये जो फोर्स है ये एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, जो बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के उन पे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इन पर जो नेट फोर्स है, जो बाउंड्री के लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इन पर जो नेट फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स एटमॉस्फेयर के कारण है और एक फोर्स सरफेस टेंशन के कारण है। तो ठीक नीचे यहाँ जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है PA-2T/R। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से इस बाउंड्री को देख के वो कहेगा कौन केव, ये अंदर केव जैसा घुसा हुआ है ना, और यहाँ से तो ये बाहर निकल रहा है
यहां से देखने पर ये सरफेस कॉन्वेक्स है और यहां से देखने पर ये सरफेस कॉनकेव है और हम जानते हैं कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर काम करता है। इस मॉलिक्यूल पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर के कारण और एक सरफेस टेंशन के कारण। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कम हो गया है। तो यहां प्रेशर अगर पी ए है तो यहां प्रेशर पी ए माइनस टू टी बाय आर। बस और ये जो व्हेन ग्लास एयर इंटरफेस इज फॉर्म्ड द कॉन्टैक्ट सरफेस जहां पे जीन पॉइंट पे जहां कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इज कर्व्ड एज शोन। यहां पे इसका कॉन्टैक्ट सरफेस इस तरह से कर्व्ड हो जाती है और ये जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस इज कॉनकेव। ऑब्जर्वर तो हमेशा एयर में ही है, उसी को ध्यान में रख के हम बात कर रहे हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रही है इसको मेनिस्कस कहते हैं। जो कर्व्ड सरफेस लिक्विड का शेप है इसको मेनिस्कस कहते हैं। ग्लास और एयर मतलब ग्लास, इसका मेनिस्कस, ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, ये मेरा मतलब है। नो कैपिलरी, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, कैपिलरी एग्जैक्टली जब एनसीईआरटी डिफाइन करेगा तब आपसे बात करेंगे। व्हेन अ ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर द मेनिस्कस इज कॉनकेव व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड। और ऑब्जर्वर तो बाहर से ही देखेगा, ये कैपिलरी है, एक ट्यूब है जिसमें बहुत ही, जो आपका पिपेट होता है उससे भी कम डायमीटर की ये ट्यूब है। इसको जब मैंने पानी में डाला तो यहां पर पानी ऐसा बन जाता है, इसका जो ये ऐसा हो जाता है, बाहर से देखने पे कॉनकेव हो जाता है। इसके रीजंस एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और यहां पर मेन बात अब यह है कि यहां प्रेशर अगर पी एटीएम है तो यहां प्रेशर है पी एटीएम माइनस टू एस बाय आर। मैं इसे स्मॉल आर से लिख रहा हूं, एक्चुअली कैपिटल आर से लिख रहा हूं। ये स्मॉल, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल आर है, दोनों में बड़ा फर्क है। ये जो मेनिस्कस है ना, ये किसी ऐसे स्फीयर का पार्ट है, मे बी किसी ऐसे स्फीयर का पार्ट है। तो ये जो आर है ये एक्चुअली उसी का रेडियस है। ये मैंने कैपिटल आर बोला है इसको, और अलग से आप लिख दीजिए कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस विच इज वेरिएबल। हो सकता है कि ये किन्हीं कंडीशंस में ये जो मेनिस्कस है वो ऐसा बन जाए, थोड़ा लेस कर्व्ड हो जाए। अगर लेस कर्व्ड हो जाए तो और भी बड़े स्फीयर का ये पार्ट है, तब रेडियस वेरिएबल हो जाएगा। ये जो मेनिस्कस का रेडियस है ये वेरिएबल है और एक्चुअली काफी बड़ा होता है। कैपिटल आर से मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज लार्ज, मेनिस्कस का जो रेडियस है वो काफी ज्यादा होता है। और मेनिस्कस का ये जो कर्वेचर है ये डिसाइड करता है प्रेशर डिफरेंस। ग्लास कैपिलरी व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर द मेनिस्कस इज कॉनकेव व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड। और हम ये सब समझ रहे हैं कि एयर के अंदर तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, व्हाइल जस्ट बिलो द कर्व्ड सरफेस ये है, यहां पर प्रेशर थोड़ा सा कम है। और जो डिफरेंस है उसे हम एक्सेस प्रेशर के नाम से पढ़ते थे, ये वही है आज भी। एक बाउंड्री बन रही है, एक कर्व सरफेस बन रही है,
जब भी कर्व सरफेस होती है ना तो उसके अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर फ्लैट सरफेस होती है ना तो फ्लैट सरफेस में प्रेशर डिफरेंस जीरो होता है, क्योंकि जो एक्सेस प्रेशर है जिसका फॉर्मूला 2t/r है फ्लैट सरफेस के लिए, ये रेडियस एक प्रकार से इनफाइनाइट है। तो फ्लैट सरफेस में प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड अ फ्लैट सरफेस इज जीरो। अगर फ्लैट सरफेस है तो ये प्रेशर डिफरेंस जीरो होता है। बस यहाँ पर जहाँ कॉन्टैक्ट बन रहा होता है यहाँ पर सरफेस ऐसी कर्व हो जाती है, यहाँ पे सरफेस कर्व हो जाती है। यहाँ तो सरफेस फ्लैट ही रहती है, इधर कोनों पे सरफेस कर्व हो जाती है। और बहुत ही पतला अगर ये कैपिलरी है जिसका डायमीटर ज्यादा नहीं है तब तो मुझे ये वाला पोर्शन ज्यादा दिखता नहीं है, फ्लैट पोर्शन दिखता नहीं है। बहुत ही पतली अगर कैपिलरी हो तब मुझे ऐसा पूरा ही कर्व दिखता है, वरना एक्चुअली ऐसा शेप आता है जो लिक्विड और एयर के इंटरफेस है उसका शेप ऐसा आता है, कोनों पे कर्व रहती है फिर फ्लैट रहती है फिर यहाँ कोनों पे कर्व रहती है। उसके रीजन हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस पहली बात एक्चुअली मैंने आपको खाली ये बताई कि जो कर्व सरफेस है उसके अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस रहता है, फ्लैट सरफेस के अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता है। मेनिस्कस के रेडियस की मैंने आपसे बात की है कैपिटल आर, तो मैं जरूर आपको यहाँ पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, आगे डेरिवेशन में काम आएगी, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो कैपिलरी है ना इसका जो रेडियस है वो तो फिक्स्ड है और मैं इसे स्मॉल आर कहना चाहता हूं, तो लिख दीजिए अलग से कि रेडियस ऑफ कैपिलरी स्मॉल आर इज फिक्स्ड। एनसीईआरटी में इसे लोअर केस लेटर ए से लिखा है, मैं इसे स्मॉल आर लिख रहा हूं। रेडियस ऑफ द कैपिलरी आर इज फिक्स्ड। कैपिलरी को आप डिफाइन भी करते हैं एनसीईआरटी में जब आएगा तब देखेंगे, ब्रैकेट में एक लाइन छोटी सी लिख दीजिए, कैपिलरी मींस अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर, अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर, बीओआरई बोर, बोर मतलब डायमीटर, अ ट्यूब ऑफ फाइन बोर जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर हो, जो होल है उसमें जो एयर पैसेज है वो जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर टाइप्स का होता है, तो इसका जो रेडियस है वो तो फिक्स है। और जो मेनिस्कस होता है वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, मेनिस्कस कैसा भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज यूजुअली वेरी लार्ज, या चलिए रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज लार्जर देन रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इज लार्जर देन रेडियस ऑफ द कैपिलरी and is governed by angle of contact. Radius of the meniscus is larger than radius of the capillary and is governed by angle of contact. ये जो curved surface बनी है ना ये sphere का part है और इसको meniscus कहते हैं, और अगर इसका center ये है, इसका center ये है तो radius ये है, यही बना लेता हूं मैं, यही बना लेता हूं, मैं भी ये बना लेता हूं, ये सेंटर है, ये आर बना लेता हूं, और मैं यही में रिलेशन देख रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो शायद ये एंगल भी थीटा प्रूफ किया जा सकता है, भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और इन दोनों की अगर बात करें इसमें मैं टेंजेंट बना लेता हूं, यहां रेडियस बना लेता हूं। थीटा जो है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्मॉल आर कैपिलरी का रेडियस है, कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है और हम इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये मेनिस्कस का सेंटर मान लीजिए यहाँ आ रहा है, ये मान लीजिए ऐसे स्फीयर का पार्ट है, तो चलिए यहां पर मैं आर बनाता हूं
और ये मैं आर दिखाता हूँ, ये नया डायग्राम बना लीजिए, अब ठीक रहेगा। ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा है, तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। अब इस मेनिस्कस का ये रेडियल लाइन है और ये टेंजेंशियल लाइन है, तो पूरा एंगल भी 90 है। इस मेनिस्कस की ये रेडियल लाइन है और ये टेंजेंशियल लाइन है और ये पूरा एंगल भी 90 है, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बच गया थीटा। बस अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस को फिर रिजॉल्व करूंगा तो आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर आएगा ना, बड़े का बड़े वैल्यू का कॉस थीटा ही तो छोटी वैल्यू आएंगी। आर को मैं बड़ा कह रहा हूँ और बड़े वाले का कॉस थीटा, जब इसे मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर थोड़ा छोटा आएगा। ये तो ये रिलेशन हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है आपको। मेनिस्कस का रेडियस बड़ा होता है, मेनिस्कस का रेडियस बड़ा होता है और जब मैं उसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे छोटा वाला रेडियस मिलेगा, यानी कि कैपिलरी का रेडियस। कैपिलरी का रेडियस फिक्स होता है और मेनिस्कस का जो रेडियस है वो वेरिएबल होता है। तो अभी अगर मैं वापस एनसीईआरटी की रीडिंग मारूं तो मैंने आपको सिर्फ एक लाइन को और डिटेल में समझाने के लिए ये सारी बातें की। कह रहा है वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, जो पॉइंट मुझे पकड़ा था मैंने वो था कर्व्ड लिक्विड सरफेस। मैं आपको बताना चाहता था जब लिक्विड सरफेस कर्व्ड होती है, जब लिक्विड सरफेस कर्व्ड होती है तो अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस होता है। जो फ्लैट लिक्विड सरफेस होती है उसमें तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस यहाँ काम करते हैं, तब तो प्रेशर डिफरेंस होता नहीं है, पर जब कर्व्ड लिक्विड सरफेस होती है तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस इधर काम करते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे, लिक्विड मॉलिक्यूल पे ये फोर्सेस काम करते हैं। इधर भी फोर्स है और इधर से भी एक फोर्स है, तो नेट फोर्स यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कर्व सरफेस के अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस रहता है और फ्लैट सरफेस में तो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैंसिल कर देता है, या वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण जो फोर्स है उसके राइट एंगल्स पर है। तो वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व लिक्विड सरफेस, कर्व को आपको अंडरलाइन करना है, इज द वेल नोन इफेक्ट एंड दैट वाटर राइजेस अप इन अ नैरो ट्यूब इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी। नैरो ट्यूब को ये कैपिलरी कह रहा है कि ग्रेविटी के मारे तो नीचे चीजों को गिरना चाहिए, पर सरफेस टेंशन के फोर्सेस के कारण प्रेशर डिफरेंस अराइज होता है और प्रेशर डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए लिक्विड राइजेस अप इन अ कैपिलरी इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी। द वर्ड कैपिलर मीन्स हेयर, एक बाल जितना पतला उसमें बोर होए बस। द वर्ड कैपिला मीन्स हेयर इन लैटिन, इफ द ट्यूब वर हेयर थिन, इतनी पतली होती जितनी उसमें से बस एक बाल निकल पाता। If the tube were hair thin, the rise would be very large. To see this, consider a vertical capillary tube of circular cross section, bracket में radius a, मैं इसे small r लेके चल रहा हूँ, inserted into an open vessel of water. The contact angle between water, diagram में देखें कुछ लिखा है क्या, capillary rise, schematic picture of narrow tube immersed in water, और वो उसने angle theta वगैरह भी दिखाया है बकायदा, अच्छी बात है। Enlarged picture near interface, तो boundary के पास जो एनलार्ज पिक्चर है वो बीकर में भी देखिए जरा, बीकर में तो इनका डायग्राम सही नहीं है। ये जो पानी है ना, पानी को बीकर में इन्होंने ऐसा दिखाया है, ये गलत है, ये गलत है। ये पानी अगर है तो वो ऐसा ही बनता है। खैर रीजंस को पढ़ाया ही नहीं हमें, उस बारे में हम कोई बात नहीं करते, पर ये तो आप एक्सपेरिमेंटली भी जानते ही हैं कि पानी का जो मेनिस्कस बनता है कॉर्नर्स पे वो ऐसा बनता है और बीच में फ्लैट होता है, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ बस। तो डायग्राम इन्होंने जो बनाया है वो डायग्राम में भी एनलार्ज करके दिखा देता हूँ, बल्कि मैं पूरी बातें आपसे कर लेता हूँ कि कैपिलरी राइज क्यों होती है, जरा ये बात करता हूँ। ये मैं तो ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, इसके ऊपर डिस्कशन है ही नहीं, इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो पहले से यहां पर एक कंटेनर था, ओपन बीकर था, पहले से यहां पे एक ओपन बीकर था और यहां भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यहां भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट ऊपर जो बाउंड्री बन रही है उसके जस्ट ऊपर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसके जस्ट नीचे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सरफेस क्योंकि फ्लैट है ना, कर्व तो है नहीं, कर्व तो यहाँ पे ही आती है, जहां भी सॉलिड से कॉन्टैक्ट हो रहा होता है ना
जिस जगह लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं वहीं एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट के कारण सरफेस थोड़ी सी कर्व हो जाती है। वो डिस्कशन एनसीईआरटी में है नहीं, तो कर्व के बारे में भी मैं कुछ ज्यादा बातें आपसे नहीं कर रहा। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप इसमें कैपिलरी इंसर्ट करेंगे, जैसे ही कैपिलरी इमर्स करेंगे, जैसे ही कैपिलरी इमर्स करेंगे तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस के कारण ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर शेप ऐसा हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो ए पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे भी प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मान लीजिए, क्योंकि ए और बी में प्रेशर डिफरेंस आता है एसडीजी का और ये हाइट नेग्लिजिबल है। जस्ट बिलो वाटर सर्फेस, जस्ट बिलो वाटर सर्फेस जो पॉइंट बी है वहां भी पीक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर माना जा सकता है। ए पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पॉइंट डी पे अगर यहाँ मेनिस्कस बन गया है तो प्रेशर यहाँ पे हो गया थोड़ा सा कम, पी ए माइनस टू टी बाय कैपिटल आर। हम ये बोलते हैं कि जस्ट आफ्टर इमर्सिंग द कैपिलरी इनसाइड वाटर इन एन ओपन बीकर, ओपन मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, इन एन ओपन बीकर जस्ट आफ्टर इमर्सिंग द कैपिलरी इनसाइड वाटर अ मेनिस्कस इज फॉर्म्ड। जैसे आप इसको कैपिलरी को पानी में इमर्स करेंगे ये मेनिस्कस बन जाएगा, और पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक। इन सब पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इन सब पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, बस जो पी डी है ना वो है पी एटमॉस्फेरिक माइनस टू टी बाय आर। इस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है ड्यू टू फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर काम कर रहा है, मेनिस्कस भी ऐसा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व हो गया है, यहां पर प्रेशर हल्का सा कम हो गया है। अब हम पास्कल्स लॉ के एक पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि ये कहता है कि अगर सेम लिक्विड में ये दो मॉलिक्यूल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, इसे मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूं डायग्राम में क्लैरिटी के लिए, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, अगर सेम लिक्विड में दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो उन पे प्रेशर सेम होना चाहिए। अभी ये हाई प्रेशर का पॉइंट है और ये लो प्रेशर का पॉइंट है, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर बह जाएगा। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से ज्यादा डीप है, इज नॉट रिक्वायर्ड, या एनसीईआरटी ने एक आध लाइन में कहा तो है। मेरी बात फिर से सुनिए कि सेम इस मेनिस्कस के बनते ही साथ क्या हुआ कि आउटसाइड द कैपिलरी एंड इनसाइड द कैपिलरी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द टू पॉइंट्स आर नॉट एट सेम प्रेशर, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, यहां और यहां प्रेशर डिफरेंस है, तो फिर लिक्विड यहां से यहां बह जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तब तक लिक्विड बहेगी जब तक प्रेशर वापस इन दोनों पॉइंट पे सेम ना हो जाए। इसलिए ये लिक्विड को ऊपर पुश करती है, ग्रेविटी तो नीचे लाने के लिए कहती है, पर ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये लिक्विड को ऊपर पुश करता है। ऐसे ही हम कुछ लिखना चाहते हैं कि आउटसाइड द कैपिलरी एंड इनसाइड द कैपिलरी there is a pressure difference between two points at same horizontal level. अगर same liquid हो और communication possible हो, same liquid हो same beaकर में, तो पास्कल्स लॉ ने पढ़ाया कि ये दोनों पॉइंट्स को सेम प्रेशर पे रहना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, बस इसलिए लिख देते हैं कि देयरफॉर लिक्विड फ्लोस फ्रॉम बी टू डी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लिक्विड बी से बहके डी की तरफ जाती है अपने प्रेशर डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए। जैसे ही मेनिस्कस ऐसा वाला बना अंदर प्रेशर कम हुआ, ऑनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है,
यहाँ से हमें गुफा जैसी अंदर जाना पड़ रहा है, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही कैपिलरी को अंदर इमर्स किया प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट्स हैं जो सेम प्रेशर पे नहीं है, तो हाई प्रेशर के पॉइंट से लो प्रेशर के पॉइंट तक लिक्विड बहेगी। और प्लीज लिख दीजिए, द फ्लो कंटिन्यूज टिल बोथ द पॉइंट्स कम एट सेम प्रेशर। द फ्लो कंटिन्यूज टिल बोथ द पॉइंट्स कम एट सेम प्रेशर। और आप देख रहे हैं जब लिक्विड बी से डी की तरफ बह रही है तो डी पर ऊपर लिक्विड राइज करेगी। लिख दीजिए, इनसाइड द कैपिलरी द लिक्विड राइजेस अप। इनसाइड द कैपिलरी द लिक्विड राइजेस अप। क्यों? ब्रैकेट में लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस व्हिच इज क्रिएटेड बाय द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स है तो फोर्स अपॉन एरिया है, यानी प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बाय द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ने जब चढ़ना शुरू किया तो ठीक है। अब हम फाइनल जब इक्विलिब्रियम आ गया है उस समय की पिक्चर देखते हैं। जैसे लिख दीजिए, फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्स द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो फॉलोइंग डायग्राम है दैट डिपिक्स द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर मैंने जैसे ही ग्लास कैपिलरी इमर्स की तो मेनिस्कस बना, और मेनिस्कस बनने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस हो गया, है ना। ये मे बी ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ये जो एच है ये नेग्लिजिबल है। डायग्राम में क्लैरिटी के लिए हमने दिखा दिया है, पर ये नेग्लिजिबल है। बस अब फाइनली ये ऐसा हो जाता है। इस पॉइंट को आप अभी भी डी कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप अभी भी सी कह सकते हैं, पर फाइनली इसमें ऐसा बन जाता है। फाइनली ये बन जाता है, ये हाइट एच है। एच इज द कैपिलरी राइज। एच इज द कैपिलरी राइज, मतलब हाइट को हम कैपिलरी राइज बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कहेगा कैलकुलेट द कैपिलरी राइज, मतलब आपको हाइट निकालनी है। कंडीशन मुझे मालूम है, ये सी और डी, और चलो मैं इस पॉइंट को ई कह देता हूं। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां से यहां तक आऊं तो डी पे प्रेशर कितना है। प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट ई प्लस एच डी जी। अभी तो फ्लूइड स्टैटिक्स का केस हो गया, लिक्विड कॉलम रेस्ट पे आ गया, बह नहीं रहा है, लिक्विड कॉलम रेस्ट पे आ गया। इस पॉइंट पे प्रेशर प्लस एच डी जी, और नहीं सॉरी PE माइनस 2T / R, ये मेनिस्कस का रेडियस। PE माइनस 2T / R प्लस SDG, यहां पे प्रेशर है PE, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा जो भी PE है उससे माइनस 2T / R हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर PE, यहाँ हो जाएगा PE माइनस 2T / R प्लस SDG, दिस इज इक्वल टू PD। और PD जो है और PB जो है ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। PE भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर को ओपन है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो PD को और PE को मैं दोनों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देता हूं, क्योंकि D भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि वो PB के बराबर है, और PE भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस 2T / R प्लस HDG, ये दोनों कैंसिल हो गए तो HDG इज इक्वल टू 2T / R। बस ये फॉर्मूला हमें फाइनल ध्यान रखना है, हमें डेरिवेशन के स्टेप्स की कोई आवश्यकता नहीं है। रिपीट तो करता हूँ एंजॉयमेंट के लिए, फन तो है इसमें, मजा तो है। इधर प्रेशर है PE, यहाँ प्रेशर है PE माइनस 2T / R, अंदर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है प्लस HDG, और अब हम पॉइंट D पे पहुंच गए हैं तो दिस इज इक्वल टू PD, और D पे जो प्रेशर है वही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर कैपिलरी के बाहर जो पॉइंट है
सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर कैपिलरी के बाहर जो पॉइंट है वहां पे भी सेम प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. PE भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो जो कैपिलरी राइज है उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है. HDG का फॉर्मूला 2DYR आपको याद रखना ही चाहिए. डेरिवेशन आप याद रखें या ना रखें आपकी मर्जी है. HDG का फॉर्मूला 2DYR कैपिटल R है. जहां आप ये भी ध्यान दीजिए कि अब न्यूमेरिकल में आपको ये कैपिलर मेनिस्कस का रेडियस नहीं देंगे. न्यूमेरिकल में मेनिस्कस का रेडियस नहीं दिया जाएगा. मेनिस्कस में तो कैपिलरी का, न्यूमेरिकल में तो कैपिलरी का रेडियस दिया जाएगा. सो मैं इस फॉर्मूले को, मुझे ये रिलेशन पता है कि बड़ा R का cos थीटा इज इक्वल टू छोटा R, तो HDG का फॉर्मूला आया है 2DY कैपिटल R. मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल R को स्मॉल R बाय cos थीटा. तो ये HDG का फॉर्मूला हो जाएगा 2T cos थीटा बाय A NCRT की भाषा में. और मुझे तो बात कर ऐसे ऐसे ही लिखना चाहिए रेडियस ऑफ कैपिलरी. जब दो रेडियस है तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. हालांकि मेनिस्कस के रेडियस की कोई बात करता ही नहीं है, तो जो न्यूमेरिकल अगर आपको जो रेडियस दिया है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ही दिया है और बस एच का फॉर्मूला इसलिए 2t cos थीटा बाय r dg हो जाएगा, जहां थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है. एच का फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाय r dg. या तो आप ये याद रखिए और कैपिटल r को स्मॉल r, ये रिलेशन याद रखिए, इसमें से आप स्मॉल r ले आना और धीरे धीरे आपको ये पूरा फॉर्मूला ही याद हो जाना चाहिए. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस फॉर्मूले पे आप 5 स्टार दे दीजिए. इस पे मैंने, इस पे 1 स्टार दे सकते हैं. ये 1 स्टार बड़े आर का कॉस थीटा इज इक्वल टू छोटा. ये डेरिवेशन का एक स्टेप है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये न्यूमेरिकल इसी पर बनते हैं, इसका ध्यान दीजिए. एच का फॉर्मूला है कैपिलरी राइज का 2t cos थीटा बाय r dg, जहां थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है. अब दोबारा पढ़ते हैं आगे की ये क्या कह रहा है कैपिलरी राइज के बारे में. कहता है थीटा इज एक्यूट, द कॉन्टैक्ट एंगल, लास्ट लाइन जो है डायग्राम के जस्ट ऊपर, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज एक्यूट. दस द सरफेस ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज कॉनकेव. वो जो सरफेस ऑफ वाटर है उसी को मेनिस्कस कह रहा है. दिस मीन्स दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द टॉप सरफेस. वही सब जो मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ. पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इक्वल टू 2s बाय r इज इक्वल टू, वो ठीक है 2s बाय a cos थीटा. दस द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड अ ट्यूब जस्ट एट द मेनिस्कस. प्रेशर ऑफ द वाटर, देखिए ध्यान से देखिए, प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड द ट्यूब, उस वाटर की बात कर रहा है जो पानी के अंदर है, ट्यूब के अंदर है. प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड द ट्यूब जस्ट एट द मेनिस्कस इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बस यही बात है. कह रहा है एक तो ये पानी है और एक ये पानी है जो ट्यूब के अंदर है. ये पानी पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, पर वो जो पानी जो ट्यूब के अंदर है, तो लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूं. दस द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड द ट्यूब जस्ट एट द मेनिस्कस, जो एयर वाटर का इंटरफेस बना है सरफेस को मेनिस्कस कहते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहां तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम है. इससे क्लियर हो गया कि हाँ कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, जो इसने पिछले पन्ने में एक जगह लिखा था कि इन जनरल फॉर अ लिक्विड गैस इंटरफेस द कॉन्वेक्स साइड इज अ हायर प्रेशर. ये लाइन 10.20 डायग्राम के ऊपर, ये लाइन एनसीईआरटी की डेफिनेटली गलत है. ये खुद यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर अब प्रेशर कम है और रीजन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है, तो डेरिवेशन भी मैंने करा ही दिया और ये पूरी कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ आपको. कंसीडर द टू पॉइंट्स ए एंड बी, दे मस्ट बी एट द सेम प्रेशर. यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम होना चाहिए, वही सब है. वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड एच इज कॉल्ड द कैपिलरी राइज. और फाइनली आपके पास एच का फॉर्मूला है 10.31. द डिस्कशन हियर एंड द इक्वेशंस, ये सब मेक इट क्लियर दैट द कैपिलरी राइज इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. अगर ज्यादा बातें नहीं करनी है तो हमें सिर्फ बोलना है कैपिलरी राइज इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. कैपिलरी राइज का रीजन आपको बोलना है सरफेस टेंशन. और कहता है इट इज लार्जर फॉर स्मॉलर ए. अब जितना नैरो बोर होगा उतना कैपिलरी राइज ज्यादा होगा. पेड़ों के अंदर ट्रीज वगैरह में तो आप जानते हैं फ्लूइड्स नीचे से ऊपर तक पहुंचते हैं, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ कैपिलरी राइज.
और तब हम कैपिलरी में प्रेशर डिफरेंस की ज्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस टेंशन का नाम लेते हैं. कैपिलरी राइज इज अ फिनोमेना ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी ये लिक्विड ऊपर चलती है. ग्रेविटी चल रही होती है, लिक्विड को नीचे खींचे और सरफेस टेंशन के फोर्सेस इसको ऊपर ले जाते हैं. इट इज लार्जर फॉर अ स्मॉलर एरिया. टिपिकली इट इज द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर फॉर फाइन कैपिलरीज. फाइन वर्ड आता ही है फाइन बोर. एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं. एक क्वेश्चन लिख दीजिए, रेडियस ऑफ कैपिलरी 0.05 सेंटीमीटर. जो रेडियस ऑफ कैपिलरी है वो सेंटीमीटर में यह दिया है 0.05 सेंटीमीटर. यूजिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन फॉर वॉटर तो टेबल 10.3 में उसने दिया होगा. बस एच निकालना है आपको. एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी. और इन लोगों ने cos थीटा भी नहीं लिया है, वैल्यू सारी डाली है. सरफेस ये है 2, सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.73 है SI यूनिट्स में. रेडियस जो है वो 0.05 × 10⁻²² हो जाएगा मीटर में. हम पूरी SI यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं. पानी की डेंसिटी होती है 1000, पानी की डेंसिटी होती है 1000 SI यूनिट्स में. और फिर जी की वैल्यू है 9.8 या 10 जो भी ले रहे हैं. इससे हाइट निकल आएगी SI यूनिट्स में जो कि 2.98 सेंटीमीटर बाद में निकल के आ रही है. सारी कैलकुलेशन डिजायरेबल तो है कि SI यूनिट्स में करें. पता नहीं ये cos थीटा कहाँ गया. नोटिस दैट द लिक्विड मेनिस्कस इज, अच्छा ये बात की बात है, इसको तो आप छोड़ दीजिए. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये लिख दीजिए व्हेन थीटा इज नॉट गिवन इन न्यूमेरिकल्स, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है, देन वी डोंट हैव अ चॉइस. वी डोंट हैव अ चॉइस एक्सेप्ट टू मेक अ सिंप्लीफाइंग अजम्पशन. वी डोंट हैव अ चॉइस and we can make a simplifying assumption that theta is equal to 0 degree. इसीलिए cos 0 की वैल्यू हम मान ले लिए. अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं दिया है तो हमारे पास कुछ है ही नहीं चॉइस. बेहतर है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप 0 मान लो. एक्चुअली प्योर वाटर के लिए और ग्लास के लिए तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता भी है. तो चलिए हम वो बात नहीं करते. हम आपको कहते हैं कि 0 इन्होंने क्यों मान लिया है. प्रॉबेबली मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में कहता हूं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट if meniscus is hemisphere agar jo meniscus hai wo hemisphere ban raha hai aisa type ka ban raha hai bilkul to angle of contact aapko nikalna hai. angle of contact ki ye definition thi ki tangent to the liquid surface. The angle which the tangent to the liquid surface makes with the solid inside the liquid. Angle of contact ये definition थी कि angle which the tangent to the liquid surface makes with the solid inside the liquid. उसको angle of contact कह रहे हैं. तो आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा ये है तो angle of contact इतना सारा है और जितनी ज्यादा curved होती चली जाएगी उतना angle of contact कम होता चला जाएगा. तो जब भी hemispherical ये यहाँ से यहाँ का अगर मैं इस जगह tangent बनाऊँ, इस जगह में टेंजेंट बनाऊं तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री ही एंगल है. हेमिस्फीयर के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को 0 डिग्री मान लिया जाता है. बस यहां अगर आप एकदम बढ़िया टेंजेंट बनाएंगे तो इसको छूटते ही जाएगा और उसका एंगल सॉलिड से 0 डिग्री ही होगा. या तो वो ये आपको बोल देगा कि मेनिस्कस हेमिस्फीयरिकल है, न्यूमेरिकल्स में वो यही करेगा. या तो दे देगा 30 डिग्री क्योंकि cos 30 sin 30 आपको पता है. या तो 30 डिग्री देगा या हेमिस्फीयर बोलेगा या कुछ नहीं देगा. 30 डिग्री बोल दिया तो कोई इशू नहीं है. हेमिस्फीयर बोल दिया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 ले लो. और कुछ नहीं दिया तो इन एब्सेंस ऑफ एनी कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन वी आर फ्री टू चूज व्हाटएवर वी फील लाइक द सिंप्लीफाइंग. जो भी सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर दे वो हम अज्यूम कर लेते हैं और तब हम थीटा को 0 मान लेते हैं. हेमिस्फीयर बोल दे तो बहुत अच्छा है. या तो 30 डिग्री बोल दे या हेमिस्फीयर बोल दे और कुछ नहीं भी करेगा तो हम उसको वो करेंगे जो हमारी मर्जी है. जब इन्होंने कुछ कहा नहीं है तो वो करिए जो आपकी मर्जी है जिससे चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई हो रही है.
तो यहाँ इस लास्ट पैराग्राफ में से थोड़ा बहुत कुछ कहा तो है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूं कि मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी, मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी, शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको हो तो ठीक है, बाकी कोई खास जरूरत नहीं है इसकी। तो अगर इस पूरे कंटेनर में मर्क्यूरी भरी है तो ये सरफेस ऐसी होती है, यहाँ पे ये फ्लैट होती है और यहाँ ये ऐसी कर्व होती है। ये वाटर तो आपको पता ही है अच्छे से, वाटर तो ऐसा आपने खूब देखा है, वाटर ऐसे बन जाता है और मर्क्यूरी ऐसी बन जाती है, यहाँ तो फ्लैट होती है पर जहाँ सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं वहां मेनिस्कस ऐसा बनता है। ये भी आपने एक्सपीरियंस किए, ये थर्मामीटर पुराने वाले जो आते थे जिनमें हम मर्क्यूरी ऊपर उठते हुए देखते थे उनमें यहाँ मेनिस्कस ऐसा हमने देखा है। अभी क्या हुआ, जैसे ही आप इसमें कैपिलरी इमर्स करेंगे ना, जैसे ही कैपिलरी इमर्स करेंगे ना तो कैपिलरी में भी जो मेनिस्कस है, कैपिलरी में भी जो मर्क्यूरी का मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स बन जाएगा बाहर से देखने पर। यहां से देखने पर व्हेन अ थिन कैपिलरी इज इमर्स्ड इन मर्क्यूरी बाथ, मर्क्यूरी कंटेनर, इन अ मर्क्यूरी कंटेनर द मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी इज, मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी इज कॉन्वेक्स। ये अब ये मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनता है, ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों है इसको हमने ज्यादा डिस्कस कहीं नहीं किया है एनसीईआरटी ने कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे भी वही होता है और यहाँ पे भी वही होता है, एक्चुअली ये कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। मेनिस्कस अब ऐसा बन जाता है जहाँ सॉलिड और लिक्विड कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं ना, वहाँ कोहेसिव फोर्स भी होते हैं और एडहेसिव फोर्स भी होते हैं और उनके रिजल्टेंट के राइट एंगल्स पे लिक्विड की बाउंड्री आती है। खैर लाइन आप इग्नोर ही करें, अब मेन बात ये देखें कि सरफेस टेंशन के फोर्सेज यहाँ काम करेंगे, फोर्स ऑफ नेचर टी एल, टी से दिखा दे रहा हूँ खाली सिंबॉलिकली, ये टी तो नहीं टी एल है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेज का रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स काम करेगा इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे, तो एयर का मॉलिक्यूल है लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन जो फोर्स नीचे काम करेगा, तो इस मॉलिक्यूल पे एटमॉस्फेयर के कारण जो फोर्स लग रहा है वह भी नीचे काम कर रहा है और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वह भी नीचे लग रहा है, तो जो लिक्विड के अंदर के जस्ट अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर मेनिस्कस के जस्ट नीचे उन पर प्रेशर ज्यादा है। ये ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, प्रेशर ऑन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स जस्ट इनसाइड द मेनिस्कस इज मोर ड्यू टू फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। हाँ, ये आपको याद, लॉजिक अगर से आप याद रखना चाहते हैं कि कहाँ प्रेशर कम है और कहाँ प्रेशर ज्यादा है तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि भाई अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर है खाली और यहाँ पे अंदर सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट अंदर काम कर रहा है। इस केस में क्या था, सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स नीचे था और सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स ऊपर था। अब की बार इस मॉलिक्यूल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी, क्योंकि प्रेशर के कारण जो फोर्स है वह भी नीचे है और सरफेस टेंशन के रिजल्टेंट भी फोर्स नीचे है और यहां से देखने पे आपको कॉन्वेक्स दिख ही रहा है। और अगर आप यहां से देखेंगे, अंदर से घुस के देखेंगे, अगर शेप डिफाइन करना है तो आप अंदर से घुस के यहां से देखने पे शेप कॉनकेव दिख रहा है और कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा है। अगर ये प्रेशर पी ए है तो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये पी ए प्लस टू टी बाय आर, अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर जो होता था अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है वो पी ए प्लस टू टी बाय आर है, इसको हम और ज्यादा डिस्कस शायद नहीं कर रहे। बता ही देता हूं हल्का सा,
थोड़ा सा तो बचा है, एक लाइन बता ही देता हूँ, पर आप उसे दोबारा ज्यादा उसके लिए बहुत ना करें। अब यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और यह हमें मंजूर नहीं है, पास्कल्स लॉ के मंजूर नहीं है कि एक लिक्विड जो सेम कंटेनर में है और जिनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल भी है, उसमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट प्रेशर पे हों। अभी ये हाई प्रेशर पे है और ये लो प्रेशर पे है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लिक्विड बह जाती है। ये तब तक बह जाती है जब तक सेम हाइट के सारे मॉलिक्यूल्स पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के सारे मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर सेम ना हो जाए। इस डिस्कशन में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि अब क्या होता है। ये मर्क्यूरी है, और अब मर्क्यूरी ना पूरी नीचे चली जाती है, इसको मर्क्यूरी डिसेंड्स इन अ ग्लास कैपिलरी, जैसे वाटर राइजेस ऐसे मर्क्यूरी डिसेंड्स नीचे जाती है। और अगर ये हाइट एच है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट चलो एफ है, ये पॉइंट जी है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीखने के लिए तो अच्छी चीज है, कुछ बढ़िया ही सीख रहे हैं अपन। ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और सी भी ए के लिक्विड से पास का ही पॉइंट है, एक लिक्विड के जस्ट बाहर और एक लिक्विड के जस्ट अंदर है। ये सारे प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, और इस ई की जरूरत नहीं है, ई की जरूरत नहीं है, अगर हमें बना लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो पी जी है ना भाई साहब, पी जी जो है वो है पी एटमॉस्फेयर प्लस एच डी जी। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेयर के कारण प्लस एच डी जी, है ना, हाइट एच के कारण एच डी जी प्रेशर और लगता जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है पीजी पे वो है पी ए प्लस एच डी जी, और इतना ही पॉइंट एफ पे भी होना चाहिए, इतना ही प्रेशर एफ पे भी होना चाहिए। तो अब देखो एफ पे प्रेशर कितना है, एफ पे जो प्रेशर है वो है पी डी प्लस 2T/R, ये पी एटमॉस्फेयर प्लस 2T/R, क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर प्रेशर ज्यादा है। और अगर मैं पी एफ को पीजी से इक्वेट करूं तो पी एफ का तो प्रेशर है, इसका तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T/R, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2T/R, और पीजी का प्रेशर है, पीजी का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच डी जी, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच डी जी, तो ये बराबर आ गया ना। एच डी जी का आंसर अभी भी 2T/R आ रहा है, एच डी जी का आंसर अभी भी 2T/R आ रहा है। हम इस डेरिवेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पर हाँ हमने सीखा तो बढ़िया। अगर आपसे आपसे एक न्यूमेरिकल अलग से आ सकता है पेपर में जो कहेगा पी जी पर प्रेशर कितना है, तो आपको बोलना पड़ेगा पी एटमॉस्फेयर प्लस एच डी जी, और इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने पहले फ्लूइड स्टैटिक्स में किए भी हैं। अब कहेगा एफ पे प्रेशर कितना है, तो ये तो पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर यहाँ हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एच रो जी मैं कर सकता था कि पी बी प्लस एच रो जी इज गुड पी डी, पर फिर वो एच जो है वो रोड है एयर का लेना पड़ता मुझे, और एयर की डेंसिटी लगभग जीरो ही मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर मानते हैं, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर मानते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम मानते हैं, और अंदर प्रेशर यहाँ के प्रेशर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। एनीवे बस हो गया खत्म। मर्क्यूरी का जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आता है ना वो अपन जानते हैं ऑब्ट्यूज होता है, मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये आता है, तो जो मर्क्यूरी के लिए थीटा ऑब्ट्यूज है, तो जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव आता है, और कॉस थीटा नेगेटिव आता है उससे पता लगता है अपने को कि हाइट नेगेटिव आएगी, कॉस थीटा नेगेटिव आता है उससे पता लगता है कि हाइट नेगेटिव आएगी, और हाइट नेगेटिव आएगी इसका मतलब है मर्क्यूरी डिसेंड्स डाउन इन अ ग्लास कैपिलरी, ग्लास कैपिलरी में हाइट नेगेटिव आती है कैलकुलेशन से, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव है, ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी ने समझाया है।
ये डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन, इसके जस्ट ऊपर का जो पैराग्राफ है मैं वो पढ़ता हूँ, कहता है नोटिस दैट इफ द लिक्विड मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स, जो कि मैंने अभी पढ़ा है एज फॉर मर्क्यूरी, दैट इज इफ कॉस थीटा इज नेगेटिव, देन फ्रॉम द इक्वेशन फॉर एग्जांपल इट इज क्लियर दैट द लिक्विड विल बी लोअर इन द कैपिलरी। कॉस थीटा, अगर थीटा उसका ऑब्ड्यूस है, कॉस थीटा नेगेटिव है, एच नेगेटिव आएगा तो कैपिलरी में लिक्विड विल फॉल डाउन। तो फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, लिख दीजिए एक लाइन आपने इसमें, फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन पुल द मर्क्यूरी डाउन इन अ ग्लास कैपिलरी। सरफेस टेंशन के फोर्सेस इस तरफ काम कर रहे हैं बस, तो वो मर्क्यूरी को भी नीचे खींच के ले जाते हैं। सरफेस टेंशन के फोर्सेस नीचे काम कर रहे हैं तो वो मर्क्यूरी को भी नीचे खींच के ले जाते हैं। मर्क्यूरी वाली बात शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके डिस्कशन में हाँ कुछ तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और ये हमें आगे काम भी आएंगे। ये डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन वाला जो इसने थियोरी का पैराग्राफ पढ़ा है, इसको पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दो मिनट बाद में पढ़ा भी दूंगा, पांच मिनट बाद आके एक बार हल्की सी नजर मार लूंगा। पहले मैं इसमें जो सॉल्ड एग्जाम्पल है 10.11 वो डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो हमारी कंटिन्यूटी टूट जाएगी अगर हम ये थियोरी पढ़ाने लगे अभी। वैसे तो मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करना चाहता हूँ, अगर मैंने ये पढ़ाया तो मेरी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, तो जो भी अभी अपन ने मेहनत की है उसको अपन यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल 10.11 थोड़ा अच्छा ही सवाल है, हल्का सा टफर साइड है। कहते लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, डायमीटर दिया, देखिए पहले तो रेडियस नहीं दिया, एक बात, इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। ये मैं डायग्राम बना लेता हूं, सही बात का आप ध्यान से देखिए, डायमीटर दिया है, ये एक बीकर है और इसमें कैपिलरी, ये जो हाइट है ये वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर। इसमें ऊपर का तो पता नहीं, यहां जो इधर थोड़ा बहुत कुछ राइज हुआ भी होगा मे बी, पर यहां से वो 8 सेंटीमीटर और डायर 2 मिलीमीटर है, ध्यान से हमें लिखना पड़ेगा, डायर है रेडियस नहीं है। कहता है लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। कहता है व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना हम लगाएं, व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो हेमिस्फेरिकल बबल। देखो हेमिस्फेयर का नाम इसने ले लिया, और बबल, हेमिस्फेरिकल बबल ऑफ एट इट्स एंड इन वाटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड इनसाइड कैपिलरी ये निकालना है टू ब्लो अ बबल, हेमिस्फेरिकल बबल बोला है। हेमिस्फेयर का मैं अर्थ समझता हूं, हेमिस्फेयर का मैं अर्थ समझता हूं कि ये यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मुझे फाइनली जीरो लेना है टू ब्लो अ बबल, हेमिस्फेरिकल बबल, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूंगा टू ब्लो हेमिस्फेरिकल, टू ब्लो अ बबल एट दी बॉटम एंड ऑफ कैपिलरी। ये अनोन जरा मैं ढंग से फिर से पढ़ के एक बार चेक कर लूं कि मैंने सही समझा कि नहीं समझा। कहता व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब, हाँ, इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट द एंड ऑफ वाटर। अब बबल का जब नाम आया है तो मैं एक बार जरा और ध्यान से देख लूं कि सो बबल है कि लिक्विड बबल, एयर बबल, लिक्विड। मैंने आपसे बात की थी यहां पर एक ऐसी, अगर बात करें ये एयर बबल इन अ लिक्विड कॉलम तो उसकी एक ही इंटरफेस होती है। एयर बबल की बात कर सकता है, एयर बबल कहीं उसने शायद क्लियर किया भी है, बहुत क्लियरली साफ बोला नहीं है, फिर से मैं पढ़ता हूँ सवाल पूरा। Lower end of a capillary tube of diameter is dipped 8 cm below the surface of water. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble? Blow करना है आपको। Bubble किसका है उसने clear कहा नहीं है। तो देखो आप उसमें capillary में जब आप blow करोगे, फूंक मारोगे इसके अंदर, तो ये पूरा पानी आप नीचे push करोगे
और फिर ये जो एयर है, ये जो एयर जब यहां पहुंचेगी तब यहां से बबल निकलेगा, पानी में से तो बबल पैदा हो नहीं जाएंगे। दिस एंटायर लिक्विड शुड बी पुश डाउन एंड फिर ये जो एयर है ये ऐसे होते होते, ये आप जानते हैं, आप जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा, आप थोड़ा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और फाइनली और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पूरी एयर ही एयर हो जाएगी, और फाइनली ये एयर होगी और ये साइड में लिक्विड होगी। तो अगर मैं इसको पूरा इमेजिन कर लूं तो ये एयर बबल इन लिक्विड कॉलम है ना, ये एयर बबल है। तो ये बात एक साफ साफ लिख दीजिए, वी आर ब्लोइंग एयर बबल इन साइड वॉटर थ्रू द कैपिलरी, वी आर ब्लोइंग एयर बबल्स इनसाइड वाटर ऑफ द बीकर बाय पुशिंग द एंटायर वाटर लिक्विड कॉलम या वाटर कॉलम बाय पुशिंग डाउन the entire liquid column held in the capillary. कैपिलरी के अंदर जितना भी लिक्विड कॉलम था ना, जो भी था ये, उस पूरे को धीरे धीरे हम धीरे धीरे ऐसे लाते गए, पहले इसको ऐसा बनाया, फिर इसको ऐसा बनाया, फिर इसको ऐसा बनाया, और फिर फाइनली इसको ऐसा बनाया, ये फिर बाद में पूरी एयर आ गई। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, है कहानी। तो फाइनली हमारे पास, फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट एयर बबल इनसाइड वाटर। बबल तो है पर बड़ी चालाकी से उसने नाम नहीं लिया है, एयर बबल्स की बात चल रही है इनसाइड वाटर, एयर बबल्स की बात चल रही है इनसाइड वाटर। तो एक्सेस प्रेशर के बारे में हमें सोचना ही चाहिए, जो एक्सेस प्रेशर ऐसे केस में होता है, देयर इज ओनली वन लिक्विड एयर इंटरफेस, ये एयर के मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, और एयर बबल इनसाइड वाटर में एक ही बाउंड्री होती है, तो जो एक्सेस प्रेशर है वो है 2s/r या 2t/r। जो एक्सेस प्रेशर है, जो डेल्टा पी है, वो 2t/r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और अगर हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस हो, हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस हो, तो इसका जो सेंटर है, इसका जो रेडियस है वही कैपिलरी का रेडियस है फिर तो, क्योंकि ये इस हेमिस्फीयर का भी सेंटर है, यहां से ये भी रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है। हेमिस्फेरिकल रेडियस में थीटा जीरो होता है, और इसलिए कैपिलरी का रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस बराबर होते हैं। इसको मैं 2t/a भी बोल सकता हूं। हेमिस्फेरिकल बबल इसने क्लियर बोला है, और बड़ा प्यारी चीज उसने सिखाई है कि हेमिस्फीयर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो लीजिए, और मेनिस्कस का रेडियस और रेडियस, मेनिस्कस का रेडियस और कैपिलरी का रेडियस बराबर लीजिए। अब शायद सवाल के सारे छुपे हुए पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं। मैं सवाल को एक बार फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने, और यही आपको भी करना चाहिए, बार बार सवाल पढ़ना चाहिए बार बार। कहता है लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर, पहली बात तो इसने डायमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर, एंड व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल। अब हेमिस्फीयर की बात कर रहा है और फिर एयर बबल की बात कर रहा है। तो अब क्या है कि यहां जो प्रेशर है, यहां जितना भी प्रेशर है, आपको जो प्रेशर लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, जो प्रेशर है वो है, ये अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PATM प्लस प्लस HDG है, PATM प्लस HDG है, ये हाई टेंस है ना। तो इससे इससे इतना प्रेशर तो आप लगाइए ही लगाइए, और यहां पे
अगर आप इसे ब्लो करना चाहते हैं तो यहां जो इसके जस्ट प्रेशर डिफरेंस जो है वो 2S/R भी है, तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर और लगाइए, इतना प्रेशर इस जगह जो है वो तो प्रेशर जितना है उतना तो आप लगाइए लगाइए यहाँ पर जब आप ये तो आप इसको ब्लो कर रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट ओपन टू एटमोस्फियर, तो इसके अंदर में कितना प्रेशर लगा, इस पूरी की पूरी के अंदर में कितना प्रेशर लगाऊं, लंग्स में से हवा निकाल के इसके अंदर भर दूं और यहाँ टोटल कितना प्रेशर लगाऊं ताकि ये और अंदर पुश हो जाए। इसको पानी में पुश करना है आपको, यहाँ के पानी में, यहाँ ऑलरेडी प्रेशर पी एटमोस्फियर प्लस टू एस पी एटमोस्फियर प्लस एच रोजी है और एक्सेस प्रेशर 2T/R है। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है उससे थोड़ा ज्यादा है लगाओगे तब ये अंदर जाएगा, तो टोटल प्रेशर पी इनसाइड द कैपिलरी, प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी इज इक्वल टू पी एटमोस्फियर प्लस एचडीजी जितना यहां था प्लस एक्सेस प्रेशर 2T/R। This should be the pressure inside the capillary. देखते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा है, हालांकि उसमें वैल्यूज दिए हैं उसने सब सब, और also कहता है also calculate the excess pressure. Excess pressure अगर पहले ही निकलवा लेता तो ज्यादा अच्छा होता, फिर मैं डायरेक्टली इसे 2T/R या 2S/R कह देता। एक्सेस प्रेशर अगर निकालना है तो फिर ये सब कोई बातें करने की जरूरत नहीं है, दो अननोन, एक तो कह रहा है एक्सेस प्रेशर बताइए और एक कह रहा है टोटल प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी बताइए, जिससे कि हम इस पूरे लिक्विड को नीचे पुश कर पाएंगे और यहाँ एयर बबल बना पाएंगे। मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, कहता है एक्सेस प्रेशर इन अ बबल ऑफ गैस इन अ लिक्विड, बबल के अंदर जो प्रेशर है, बबल के अंदर जो प्रेशर है, हाँ यहाँ पे क्या है, अब तुम इसको वो मत मानो कि कॉनकेव सरफेस है, अब तुम ये मानो कि यहाँ पर तुम एक बबल ग्लो कर रहे हो और बबल के अंदर प्रेशर हमेशा सराउंडिंग से ज्यादा होता है, यहाँ जो भी प्रेशर है अंदर उससे प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ये P सराउंडिंग प्लस 2S/R है। अगर ये बबल है तो बबल में सराउंडिंग से प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, अंदर बबल या ड्रॉप जो भी हो अंदर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये सिर्फ मेनिस्कस वाली बात नहीं है क्योंकि आपने इसे फ्री नहीं छोड़ा है, आप इसे पुश कर रहे हो और ये बबल बनने की पोजीशन में ही है, तो ये आधा तो बन ही गया है, इसको आप पूरा मान लीजिए तो अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा है, इसलिए यहाँ प्रेशर थोड़ा और ज्यादा है और जितना यहाँ प्रेशर है उतना ही आपको, जितना यहाँ प्रेशर है उतना कम से कम आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके नीचे जाएगा। बबल के अंदर प्रेशर 2S/R होता है एक्स्ट्रा बाहर की तुलना में। मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, कहता है एक्सेस प्रेशर इन अ बबल ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज गिवन बाय 2S/R। बड़ी चालाकी इसने सवाल कहा था, खैर सोप की बात तो कहीं आई नहीं है, तो सोप बबल तो है ही नहीं, ये एक गैस का बबल है किसी भी लिक्विड कॉलम में, इट इज जस्ट लाइक एयर बबल इन वाटर, एस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड गैस इंटरफेस, यू शुड नोट दैट देयर इज ओनली वन लिक्विड सरफेस इन दिस केस। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, एक है तो 2S/R, ब्रैकेट में आपको समझा रहा है फॉर अ बबल ऑफ लिक्विड एंड गैस, फॉर अ बबल ऑफ लिक्विड एंड गैस, मतलब लिक्विड का बबल हो और बाहर गैस है, ऐसा ये लिक्विड है और ये गैस है, ये गैस है, लिक्विड का बबल है गैस का, वहां पे दो बाउंड्रीज होती हैं। For a bubble of liquid and a gas, there are two liquid surfaces. So the formula for excess pressure in that case is 4S/R. बस ऐसे ही उसने revise करवा दिया यहाँ पर। पहले बहुत clearly NCERT ने नहीं पढ़ाया था, अब उसने clear कर दिया कि एक surface है तो 2S/R और दो surfaces हैं तो 4S/R, छोड़ दीजिए। ये तो radius of bubble is R। और मैं पता है जो bubble का radius है, bubble का radius है meniscus का, वही capillary का भी है क्योंकि ये hemispherical bubble है। Now the pressure outside the bubble P naught equals atmospheric pressure प्लस द प्रेशर 2 to 8 cm वाटर कॉलम, यहाँ की बात कर रहा है आउटसाइड, मतलब शायद यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फियर प्लस 8 cm वाटर का जो प्रेशर है, द प्रेशर आउटसाइड द बबल इक्वल्स एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर 2 to 8 cm वाटर कॉलम, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे या जस्ट यहाँ पे, ठीक है ना।
इसके जस्ट नीचे जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अब इसको अंदर जाना है ना, तो यहां जितना प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर से पुश करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है नाउ द प्रेशर आउटसाइड द बबल पी नॉट इक्वल्स एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ड्यू टू 8 सेंटीमीटर वाटर कॉलम। ये इसने पूरा निकाल लिया, क्या आया 1.01784, हमें इससे मतलब नहीं था। कहता देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द बबल, हाँ अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो प्रेशर है अब उसने बता दिया कि वो पी नॉट प्लस 2s/r है। इसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस एसडीजी है प्लस 2s/r, क्योंकि ये बबल बन गया है। जब तक ये बबल नहीं है, जब तक अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पी एटमॉस्फेयर प्लस एसडीजी होता, पर ये बबल बन गया तो यहाँ पे प्रेशर, अब यहाँ पे प्रेशर तो पी एटमॉस्फेयर प्लस एसडीजी है इसके जस्ट नीचे, और यहाँ प्रेशर है पी एटमॉस्फेयर प्लस एसडीजी प्लस 2t/r यहाँ पर। तो अब ये और नीचे जाए, ये और नीचे जाए तो इतना ही प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रेशर इनसाइड द बबल इज दिस मच, ये फाइनल आंसर है। ये जो 1.02 × 10^5 pascal है, दिस इज द प्रेशर विच यू मस्ट एक्सर्ट थ्रू योर माउथ, बस वेयर द रेडियस ऑफ बबल ए इज टेकन टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब सिंस द बबल इज हेमिस्फेरिकल। बड़ा उसने क्लियरली थोड़ा चालाकी से जरा सी एक लाइन में बता दिया, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हेमिस्फीयर हो, बबल हेमिस्फेरिकल हो, तो दोनों रेडियस सेम होते हैं, बबल का रेडियस और कैपिलरी का रेडियस बराबर होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिगर आंसर हैज बीन राउंडेड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल वो निकालना था खाली, तो 2s/r से ही निकाला। अगर बबल के अंदर 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 एक्सेस प्रेशर निकालना है तो वह 2s/r, और वो हो गया 2। सरफेस टेंशन है कुछ 0.73, सरफेस टेंशन है 7.3 × 10^-2 -2 हो गया, और फिर रेडियस है आर, आर जो रेडियस है वो 1 mm है, रेडियस 2 mm नहीं है, तो ये हो गया 7.3 लिखा है, तो ये हो गया 14.6 × 10^-3 + 1 146 pascal आ गया। ये एक्सेस प्रेशर अगर निकालना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर टोटल प्रेशर इनसाइड निकालना है तो थोड़ा सा आप फिर से समझ लीजिए कि ट्यूब के अंदर टोटल प्रेशर कितना हो, ट्यूब के अंदर टोटल प्रेशर कितना हो। तो यहां पर इस जगह प्रेशर पी एटमॉस्फेयर प्लस 2 sdg प्लस sdg है, ये sdg है, और करीब करीब इतना ही यहां पर भी है, पर आप यहां अगर और बबल जैसे ही बनाना चाहते हैं तो इतना प्रेशर आपको और क्रिएट करना पड़ेगा, तब बबल अंदर घुसेगा इस पानी को चीर के। बबल जैसे ही बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहां तक तो मान लीजिए ऐसा लेवल रहता, और जैसे ही ये बबल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता ना, तो भी यहां पर और प्रेशर क्रिएट हो जाता, उतना भी आपको बाहर से लगाना पड़ेगा, तब ये अंदर जाएगा, तब ये अंदर जाएगा। एनीवे याद कर सकते हैं, खाली एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है, तो आप वैल्यूज तो याद ना करें क्योंकि वैल्यूज तो चेंज करेंगे, रिजल्ट याद रख सकते हैं कि ऐसे केसेस में आपको इसके अंदर जो टोटल प्रेशर क्रिएट करना है माउथ से, वो थोड़ा सा एयर, लंग्स की एयर निकाल के इसके अंदर भरनी है, और वो उस एयर का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ये एटमोस्फियर प्लस एसडीजी प्लस 2s/r, तो चेक पॉइंट्स थे वो, ये तो एक तो चेक पॉइंट्स थे, डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है, फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ दिया है या हेमिस्फेरिकल बोला है, और फिर ये एयर बबल है कि ये सो बबल है, लिक्विड का बबल है एयर में या एयर बबल है लिक्विड में, तो 2s/r और 4s/r, यही सब कुछ चेक पॉइंट्स थे बस। इधर फिर मैं आपको डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूँ, इसके प्रीवियस आर्टिकल में ना, ये यूजलेस है,
पढ़ना भी यूजलेस ही है वैसे तो, बहुत तेज है, मैं रीडिंग और देता हूँ, कुछ डायग्राम वाइग्राम दिया वो सब भी कचरा है, छोड़ दीजिए तो बढ़िया है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। वी क्लीन डर्टी क्लोथ्स कंटेनिंग ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स स्टिकिंग टू कॉटन और अदर फैब्रिक्स बाय एडिंग डिटर्जेंट्स और सोप इन टू वाटर सोकिंग क्लोथ्स इन इट एंड शेकिंग, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस बेटर। शायद डेली लाइफ से रिलेटेड है इसलिए वो समझा रहे हैं, पर इतना भी काफ़ी है कि भाई इसमें थिन कैपिलरीज बन जाती हैं और कैपिलरीज में सरफेस टेंशन कम होने से जो हाइट जो है वो ज्यादा हो जाती है। कहते हैं वॉशिंग विद वाटर डज नॉट रिमूव ग्रीज स्टेन्स, दिस इज बिकॉज वाटर डज नॉट वेट ग्रीजी डर्ट, दैट इज वेरी लिटिल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। पानी की तो सरफेस टेंशन ज्यादा है तो पानी ग्रीस से चिपकता नहीं है, दिस वेरी लिटिल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। इफ वाटर कुड वेट ग्रीस द फ्लो ऑफ वाटर कुड कैरी सम ग्रीस अवे, अगर पानी ग्रीस को गीला करता तो फिर अपने साथ कुछ ग्रीस ले जाता। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज अचीव थ्रू डिटर्जेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर हेयर पिन शेप्ड विद वन एंड अट्रैक्टेड टू वाटर एंड द अदर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीस। डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल ग्रीस से भी चिपक रहा है, पानी से भी चिपक रहा है, इधर पानी का मॉलिक्यूल है इधर ग्रीस का मॉलिक्यूल है, बीच में डिटर्जेंट घुस गया ऑयल और वैक्स, दस टेंडिंग टू फॉर्म वाटर ऑयल इंटरफेस बन गया। वाटर और ग्रीस का तो कुछ इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं है, तो बीच में दस टेंडिंग टू फॉर्म वाटर ऑयल इंटरफेसेस, द रिजल्ट इज शोन एज अ सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। In our language, we would say that the addition by addition of detergents whose molecules attract at one end and say oil on the other, अभी oil की बात कर रहा है, reduces drastically the surface tension. अब surface tension काफी कम हो जाती है, कुल मिला के बात ये है, detergent के add करने से surface tension कम होती है, बस हमें तो ये याद करना है। Soap और kerosene से decrease, soap और kerosene से decrease. The main बात केवल आपको यही ध्यान रखनी है कि oil के मिलाने से surface tension कम हो जाती है। It may even become energetically favorable to form such interfaces. वो सब छोड़ दीजिए अब, globs of dirt surrounded by detergents and then by water. This kind of process using surface active detergents or surfactants is important not only for cleaning but also in recovering oil minerals. बस तो इतना ही ध्यान दीजिए कि बस वो तो surface tension कम हो जाती है, बात खत्म। और फिर surface tension जिस सब कम हो जाती है ना, तो जिसमें surface tension कम होती है वो wet करता है। Mercury में surface tension ज़्यादा है तो वो वेट नहीं करता कांच को। पानी और कांच की अगर बात करें तो वहां सरफेस टेंशन कम है, तो ऐसी लिक्विड जाके चिपक जाती है और चिपक जाती है तो धो के ले भी आएगी। तो ये कह रहा है बेसिकली सरफेस टेंशन कम हो जाती है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है, इसलिए वो सोप से कपड़े अच्छे से धुल पाते हैं। ये है डिस्कशन। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें और डिस्कस कर रहे हैं और वो ये है कि रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द वाटर रिजन इन लिक्विड कैपिलरी, रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द वाटर रिजन इन लिक्विड कैपिलरी एंड रेडियस, मास ऑफ द लिक्विड रिजन इन द कैपिलरी, वाटर रिजन इन द लिक्विड कैपिलरी एंड रेडियस ऑफ द कैपिलरी। कंप्लीट रिलेशन भी देख सकते हैं वैसे अपन 2020 में, जिसे हम ईजी पेपर बोलते हिस्ट्री का ईजिएस्ट पेपर बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब ये दाएं बाएं एनसीईआरटी के एग्जैक्टली जो बातें नहीं है और लॉजिक से डिराइव की जा सकती हैं, उन पर जा तो रहे हैं। और 21 में तो पूरा ही पेपर वैसा उन्होंने बना दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, मास से अगर रिलेट करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए रेडियस डबल करूँगा, अगर रेडियस कैपिलरी का डबल करूंगा, मैं उसका पूरा दूसरा एक लॉजिक ही दे देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि अगर आप कहेंगे कि भाई हम रेडियस डबल करेंगे तो हाइट आधी हो जाएगी, हाइट आधी हो जाएगी तो उसकी जो पर मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये है, तो हाइट आधी होगी कुल मिला के, मतलब जो ये जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच,
एच जो है, एच जो है वो खुद ही एच इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, एच इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, इसलिए मास इज प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा लिख सकते हैं बस समझे ठीक है। मास का फॉर्मूला है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है ना ये, तो इसको आप ऐसा सिलेंडर ही मानते हैं, ये मेनिस्कस छोड़ दीजिए, इसके कर्व पोर्शन को भुला दीजिए अगर, तो ये सिलेंडर है और ये इसका सर्कल बन रहा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम है जो एच खुद है वो प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये डायरेक्टली कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था जो कि एकदम डायरेक्ट नहीं था, लॉजिक बेस्ड था, आईक्यू बेस्ड था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब रेडियस बढ़ता है तो ऐसा तो आपको अपेरेंटली आपको एकदम से क्या लगेगा कि जैसे ही रेडियस डबल हुआ, आपको ये लगेगा कि जैसे ही रेडियस डबल होगा ना तो हाइट आधी हो जाएगी, अगर कैपिलरी ऐसी हो गई ना तो हाइट आधी हो जाएगी, अगर कैपिलरी का रेडियस बढ़ गया ना तो हाइट आधी हो जाएगी, कैपिलरी का रेडियस बढ़ा तो हाइट आधी हो जाएगी, तो हाइट और मास में अगर रिलेशन चाहिए तो पूरा यहाँ तक जाइए, खाली हाइट आधी होगी, आपके दिमाग में आंसर का आपकी आधी हो गई, अब क्या आधी हो गई आपने ध्यान नहीं देते, जैसे ही वो बोलेगा रेडियस डबल हुआ तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आएगी और आप बोलोगे हाइट आधी हो गई, हाइट आधी हो गई तो ये मास का आंसर थोड़ी ना है, मास का आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ऐसा, डेंसिटी टू वॉल्यूम, ये सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो नेग्लिजिबल टाइप ही होता है, बहुत छोटा सा ही होता है, और कैपिलरी खासतौर से जिसका रेडियस कम है वहां तो इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, अप्रोक्सीमेटली इसे हम एक सिलेंडर ही मानते हैं बस, तो एच खुद प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर है, इसलिए एम प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस बढ़ाओगे अगर आप, रेडियस बढ़ाओगे तो मास इनसाइड द कैपिलरी बढ़ता चला जाएगा, और रेडियस बढ़ाओगे तो हाइट रीजन घटती चली जाएगी, रेडियस और हाइट में ग्राफ ये होगा, रेडियस और मास में ग्राफ ये होगा, रेडियस बढ़ाओगे तो मास बढ़ता चला जाएगा और रेडियस बढ़ाओगे तो हाइट घटती चली जाएगी, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट इट एंड बाय विद दिस वी एंड द चैप्टर, कुछ आपको बताना है तो पूछ लीजिए, है ना।